हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, लेकिन अच्छे नहीं हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे हो जाओगे। वो क्यों? क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ गुड न्यूज़ के बारे में, जो कि हमारे पास आया है Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली न्यूज़ कि कौन से डिवाइस के लिए अपडेट को रिलीज़ किया गया है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार, क्या कर भी दिया। अरे गाइस यार, बस यही आपका मतलब यार, यही अंदाज काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पे सब्सक्राइब आप कर देते हो। तो चलो यार, अगर आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो अभी वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि Xiaomi की तरफ से कौन से अपडेट को इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर रोलिंग आउट किया गया है। तो सबसे पहले आपको बताऊँ कि MIUI 12 का जो स्टेबल अपडेट था Redmi Note 9 Pro के अंदर, इसे री रिलीज कर दिए गए तुर्की के अंदर, जिसका वर्जन है MIUI 12.0.2.0 का। उसके अलावा यहाँ पे Xiaomi ने न्यू अपडेट रोलिंग आउट किया है जो है MIUI 12.1.3.0, जिसके अंदर आपको मैसेजेस ऐप के अंदर काफ़ी कुछ नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। प्रीव्यू ऑफ डिस्प्ले फीचर आने वाला है इसके अंदर, काफ़ी मतलब नया कुछ देखने को मिलेगा जो कि इंडियन वर्जन के अंदर भी काफ़ी इंक्रीज़ किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे MIUI 12 का जो वर्जन है 12.0.13, इसके अंदर कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे स्मार्ट लाइफ का एक नया फंक्शन मिलने वाला है कंट्रोल सेंटर के अंदर। ठीक है, अभी इसका क्या काम है, इसका काम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन काफ़ी इसके अंदर नए नए फीचर्स को ऐड किया जाएगा, जो भी चाइनीज वर्जन के अंदर यहाँ पे फीचर्स को ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूंगा कि कौन से अपडेट को यहाँ पे रिलीज किया गया है, मतलब MIUI 12 का जो स्टेबल अपडेट है कौन से अपडेट को रिलीज किया गया है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे बात की है, अगर आप यहाँ पे Redmi 7A के यूजर हो इंडियन वेरिएंट के, ठीक है, तो आपको यहाँ पे MIUI 11.0.3.0 का स्टेबल अपडेट आपके फ़ोन के अंदर देखने को मिल गया होगा। अगर आपको ये नहीं मिला है तो आपको दो दिन वेट करना होगा, बाकी ये सबको अपडेट मिल चुका है। उसके अलावा यहाँ पे Redmi 8 को चाइना के अंदर एक नया अपडेट मिला है जो है MIUI 11 का ही। उसके अलावा यहाँ पे Redmi Note 8 Pro को यूरोप के अंदर एक नया अपडेट को रिलीज़ किया है जो है MIUI 12.0.2.0 के साथ। उसके अलावा यहाँ पे Mi Play को एक रशिया वर्जन के अंदर नया अपडेट मिला है जो है MIUI 11 का। एंड उसके अलावा और भी कुछ डिवाइस हैं, जैसे कि Redmi Note 9 Pro तुर्की के अंदर मिला है। एंड उसके अलावा कुछ और भी डिवाइस हैं, जैसे कि Redmi 7A को चाइना के अंदर मिल चुका था, सेम अपडेट उसे ही इंडिया के अंदर देखने को मिल चुका है। एंड आई होप कि आपको ये अपडेट मिल चुका होगा, लेकिन इंडिया के अंदर यहाँ पे MIUI 11.0.3.0 का सपोर्ट भी देखने को मिला है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप Poco C3 के यूज़र हो तो आपको इंडियन वर्जन के अंदर MIUI 12.0.2.0 का सपोर्ट देखने को मिल चुका है। उसके अलावा यहाँ पे और भी कोई भी न्यूज़ को प्रोवाइड नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पे Redmi Note 7 को यूरोप के अंदर MIUI 12 देखने को मिल चुका है। तो गाइज, आई होप कि आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा। एंड बस आज की न्यूज़ में इतना यार, इतना ही न्यूज़ आया था। अगर मेरे पास कोई और भी न्यूज़ आता है तो बस बहुत ही जल्द वीडियो लाया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को प्यार दो एंड लाइक करो, जा करें। ठीक है, चलो बाय, मिलता हूँ।